नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग मिक्सचर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो मिक्सचर के आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ाया जा चुका है, तो आज हम लोग देखते हैं मिक्सचर के सवाल। मिक्सचर का पहला सवाल है क्या कि एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। इसमें 25 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 5:11। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, यानी पहले कितनी मात्रा उसकी थी, इसकी बात की गई यहाँ पर। तो देख लेते हैं, हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मिल्क और वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर का कितना रेशियो दिया है, 5:7। और हमने 25 लीटर पानी और मिलाया, दूध तो नहीं मिलाया है, तो उसके बाद अनुपात कितना हो रहा है, 5:7। तो ये अनुपात हो रहा है 5:7। तो हमने दूध नहीं मिलाया तो दूध का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दूध का अनुपात कितना है, 5, और यहाँ पर भी 5 है, तो हम कह सकते हैं कितना बढ़ गया, ये 4। और सवाल में कितना बढ़ाया हमने, 25 लीटर पानी, तो 4 बराबर 25 की बात कर लेते हैं, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 6.25। 1 बराबर कितना आ गया, 6.25। दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा का अनुपात कितना है, 5, और 1 बराबर कितना है, 6.25। तो इसका जब मल्टीपल करोगे इसमें 6.25 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 31.25। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। इस सवाल में कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, हमने 25 लीटर पानी और निकाला, यानी कुछ अनुपात रहा होगा, तो ये अनुपात हो गया 4:5। फिर अब 39 लीटर दूध निकाला तो अनुपात हो गया 3:7। पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो हमें पहले नहीं पता कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि मिल्क और वाटर, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर, तो हम बात करेंगे मिल्क और वाटर रहा होगा, तो हमने 25 लीटर पानी निकाला, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 25 लीटर पानी हमने निकाल लिया, उसके बाद ये अनुपात हो गया है 4:5। फिर उसके बाद कह रहा है कि 39 लीटर दूध निकाला है, 39 लीटर दूध निकाला है, तो अब 39 लीटर हम क्या निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, मिल्क निकाल रहे हैं, तो ये अनुपात आपका हो गया है 3:7। और हमने कहा जब 25 लीटर दूध निकाला तो अनुपात कितना हो गया था, 4:5। तो इस सवाल के बाद क्या आपने पानी निकाला है, पानी नहीं निकाला है, सिर्फ दूध ही 39 निकाला है, तो पानी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। अगर हम कहेंगे पानी को बराबर होना चाहिए, तो अनुपात में बराबर करने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो गुणा या तो भाग। तो ऊपर हम 7 का गुणा कर देंगे तो उसके साथ दूध में भी किसका गुणा हो जाएगा, 7 का, तो ये 28 हो गया और ये हमारा 35 हो गया। इसमें अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो इधर भी किसका हो जाएगा गुणा, 5 का, तो ये 15 हो गया और ये कितना है, 35। क्योंकि हमने जब सेकेंड टाइम में हमने सिर्फ दूध ही निकाला था 39, पानी नहीं निकाला था, तो दूध निकाला था तो पानी सेम है 35 35, दूध हमारे पास यहाँ पर 28 और यहाँ पर कितना है, 15। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 28 है दूध, ये 28 है और ये हमारे पास कितना आ गया, 15। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में कमी की आई 13 की कमी आ गई, 1 13 बराबर 39 है, तो हम कह सकते हैं 13 बराबर 39, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 लीटर, 3 लीटर के बराबर है। तो हमसे आप पूछा क्या गया, पानी की मात्रा पूछी गई, तो 1 बराबर 3, तो यहाँ पर पानी कितना है, 35, और 1:3 के बराबर है, 1:3 के बराबर है, तो यहाँ पर 35 है, तो हम कह सकते हैं कि 35 × 3, तो यहाँ पे पानी होगा 105। 105 लीटर पानी बचा था, कब, जब आपने 25 लीटर पानी हटा दिया था उससे, तो प्रारंभ में पानी की मात्रा थी यहाँ पर 130 लीटर,
पानी कितना था यहाँ पर, 130 लीटर इसमें पानी था। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ए होगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। करा 60 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, कितना दूध और मिलाएं कि नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि आरंभ में यहाँ पर कितना दूध और मिलाएं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप इसको पहले बेसिक कर सकते हो, मिल्क और वाटर की बात की जा रही है, तो मिल्क यहाँ पर 2 है और वाटर कितना है यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों अनुपात का सम 5 हो जाएगा, इन दोनों अनुपात का सम 5 होगा। और सवाल में इनका सम कितना दिया है 60, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है वो किसके बराबर है, 60 लीटर मिक्सचर के बराबर, 1 = 12 लीटर। तो हम कह सकते हैं 2 = 24 लीटर और 3 = 36 लीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि और कितना यहाँ पर कितना दूध और मिलाएं, तो हम कह सकते हैं इसको बेसिक में कि जब भी आपको लिखा हो ए अनुपात बी, तो उसका एक तरीका होता है A/B, उसका तरीका होता है A/B। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 24 मिल्क है और 36 वाटर है, कितना दूध मिला है, तो हमने कह दिया एक्स लीटर मिलाई है, तो अनुपात आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुपात है 6:5, 6:5। अगर मल्टीपल करेंगे 24 × 5 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 120 आ गया। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं प्लस के 5x, फिर उसके बाद अगर हम कह सकते हैं इधर जब मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा हमारा 216। फिर हम कह सकते हैं जब 120 उधर जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5x बराबर आ गया हमारा 96, 5x बराबर कितना आ जाएगा 96। तो x बराबर जो वैल्यू आएगी वो काटेंगे तो 19.2 आ जाएगी। इसका जो आंसर आएगा कौन सा आ जाएगा, 19.2। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 19.2 आ जाएगा। पर इस सवाल को और तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अनुपात है वो कितना अनुपात है, 2:3। इसको एक तरीके से, सेकंड तरीके से और करिए, देखिए हम कह सकते हैं कि पहले मिल्क और वाटर का कितना रेशियो दिया है, 2:3। फिर हमने कह सकते हैं कि उसमें कितना दूध और मिलाया, जब दूध मिलाया तो अनुपात कितना हो गया उनका, 6:5। तो हमने पानी नहीं मिलाया है, केवल क्या मिलाया है यहाँ पर, दूध मिलाया है, तो पानी बराबर होना चाहिए, तो ऊपर हम किसका मल्टीपल करेंगे 5 का, तो इधर भी किसका मल्टीपल होगा 5 का, नीचे किसका मल्टीपल करेंगे 3 का, तो इधर भी किसका मल्टीपल होगा 3 का, तो पानी यहाँ कितना है 15 और यहाँ पर भी कितना है 15, पानी बराबर है। दूध हमारे पास यहाँ पर 10 था, अब कितना हो गया है 18, तो दूध हमारे पास बढ़ा कितना है 8। और शुरुआत का अनुपात अगर कहेंगे, अब दूध का अनुपात 10 और इधर 15, तो हम कह सकते हैं कि 10 और 15 का सम कह सकते हैं 25, और 25 किसके बराबर होगा 60, तो हम कहेंगे 60 के बराबर, तो 1 जो आएगा 1:1 के बराबर आएगा, तो आएगा 2.4, 1:1 के बराबर आ जाएगा 2.4। और आपसे किस दूध की मात्रा पूछी गई है शुरुआत में, तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में आपसे क्या पूछा गया है, दूध की कितना दूध मिलाया जाए, सॉरी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1:1 कितना है 2.4, और कितना अनुपात बढ़ा है 8, तो इसमें कह सकते हैं कि 2.4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 16 और 3 19 और दशमलव, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 19.2। एक ये तरीका करने का है, इसके पहले बेसिक तरीका था और ये तरीका आपका सेकेंड तरीका, आप इसको ऐसे करिए। सवाल में आते हैं अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 आपके सामने ये है, ट्राई करें एक बार। 78 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है, हमने 12 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं यहाँ पर
कि मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो की बात हो रही है, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 6:7। और हमने कहा टोटल मिक्सचर कितना है, 78, तो इसी अनुपात के सम के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 78 है तो 7 और 6 का सम कितना हो जाएगा अनुपात में, 13। 13 किसके बराबर होगा, 78 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 6। 1 किसके बराबर आएगा, 6 लीटर मिक्सचर के बराबर आएगा, 6 लीटर मिक्सचर के बराबर आएगा, 1 बराबर 6। तो यहाँ पर 6 बराबर आ जाएगा हमारे पास 36 और 7 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 42। ये दूध है 36 लीटर, इस 78 में दूध 36 लीटर और पानी कितना है, 42 लीटर। फिर हमने कहा कि 12 लीटर पानी और मिलाया, 12 लीटर पानी और मिलाया, तो पानी में जुड़ेगा जाकर ये, तो पानी ऑलरेडी पहले से कितना है, 42, तो इसमें 12 आपने और ऐड कर दिया पानी, तो यहाँ पर पानी आपका हो जाएगा 54 लीटर और दूध आपके पास वही है 36 लीटर। तो हम कह सकते हैं ये दोनों 18 से कट जाएंगे, तो ये 2:3। लेकिन इस सवाल में जरूर देखें पूछा क्या है, दूध और पानी का अनुपात, तो दूध मिल्क और वाटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3, इसका आंसर आ जाएगा 2:3 आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चौवन लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात, यहाँ पे उल्टा बोला है, पानी और दूध का अनुपात 4:5 है, इसमें 6 लीटर पानी और 12 लीटर दूध मिला दिया, यानी 6 लीटर पानी ऐड किया है और 12 लीटर क्या ऐड किया है इसमें, दूध। अब दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, पहले यहाँ पर वाटर दिया है, या हम कह दें कि पानी और हम बात कर लें यहाँ पर दूध, तो पानी और दूध की अगर बात कर लें तो पानी और दूध का अनुपात है 4:5, तो 4 और 5 का सम कितना हो जाएगा, 9, अनुपात का सम 9 हो गया, और ये किसके बराबर होगा, 54 लीटर के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका सम 9 हुआ है वो हमारा 54 लीटर मिक्सचर के बराबर है, 54 लीटर मिक्सचर के बराबर, तो 1:1 हमारा आ जाएगा 6 लीटर मिक्सचर के बराबर, 1:6 लीटर मिक्सचर के बराबर आएगा। तो पानी का अनुपात कितना है, 4, तो 1:6 लीटर के बराबर, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 24, यानी पानी उसमें 24 है और 1:6 लीटर के बराबर, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 30, तो दूध वहां पर कितना था, 30 लीटर। अब इसके बाद आपने इसमें 6 लीटर पानी ऐड किया, तो प्लस का 6 इसमें जुड़ेगा, पानी में जुड़ेगा, दूध कितना ऐड कर रहे हैं आप, 12 लीटर दूध इसमें जोड़ रहे हैं, तो प्लस के यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 12 लीटर, 24 पहले से था पानी, 6 ऐड कर दिया, तो अब पानी कितना हो गया, 30, और हम कह सकते हैं दूध पहले कितना था, 30, और आपने 12 ऐड कर दिया, तो अब कितना हो गया ये, 42। अब ये दोनों 6 से कट जाएंगे, जब ये दोनों 6 से कटेंगे तो ये आ जाएगा 6:7, 5:7, इसका जो आंसर आया कितना आ जाएगा, ये 5:7, इसका आंसर आएगा 5:7, 5:5 कितना आ गया, 7। लेकिन आप देखिए उसने कहा दूध और पानी का अनुपात, तो मिल्क यहाँ पर 7 है, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो हम कह सकते हैं 7:5, तो इसका आंसर कौन सही होगा, 7:5। ये सवाल में सबसे ज्यादा गलती होती है कि जैसे ही 5 और 7 देखा तो कौन सा विकल्प लगा देते, 1। आप ये जरूर देखिए कि पूछा किसका है, दूध और पानी, तो पहले दूध का रेशियो फिर किसका, पानी का रेशियो। अगर यहां पूछता कि पानी और दूध का, तो आपका आंसर कितना आता, 5 और 7। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है, पहले क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, एक बर्तन में एसिड और पानी 32 लीटर घोल है, एसिड और पानी का 32 लीटर घोल है,
जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 5:3 है, यदि 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और 7.5 लीटर पानी और 10 लीटर यहाँ पर एसिड लिख लें, 10 लीटर यहाँ पर एसिड है, 10 लीटर यहाँ पर एसिड है, एसिड निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, यहाँ पर निकालना नहीं, यहाँ पर डाला जाएगा, यहाँ पर क्या है, डाला जाएगा, यहाँ पर डाला करने, यहाँ पर भी क्या होगा, ये डाला जा रहा है, यानी 7.5 लीटर पानी और 10 लीटर एसिड डाला जाता है। अब अम्ल मिलाने पर अम्ल और जल का नया अनुपात क्या होगा, अम्ल और जल का नया अनुपात क्या होगा, एक बात और समझ लें, मिक्सचर निकालने से उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ उसके वजन में कमी होती है। अगर आप सवाल को आप करना चाहें तो हमारे पास टोटल जो मिक्सचर है, टोटल जो मिक्सचर है वो कितने लीटर का मिक्सचर है, 32 लीटर मिक्सचर में हम कह सकते हैं कि एसिड, एसिड और वाटर का क्या रेशियो अगर बात कर लें तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3, 5:3। अगर इसमें से 32 निकाल भी लें इसमें, तो हमारे पास 32 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 32 लीटर मिक्सचर हमने क्या कर लिया इसमें निकाल लिया, तो मिक्सचर बचा कितना हमारे पास, 20 लीटर। अगर 20 लीटर मिक्सचर बचा है तो अनुपात उसका वही होगा जो ये अनुपात था, कितना था ये, 5:3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एसिड और वाटर की अगर बात कर ले तो अनुपात क्या रहा होगा, 5:3। तो 5 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 8। ये 8 किसके बराबर होगा, ये 8 है 20 लीटर मिक्सचर के बराबर, तो 1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2.5। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2.5, और यहाँ पर एसिड कितना है, 5, तो 1:25 के बराबर है, और एसिड किसके बराबर है, 5:5 में। तो हमने कहा इसमें हम कह देंगे एसिड और वाटर की बात करेंगे, तो एसिड हमारे पास 5 है, तो 5 में जब 2.5 का मल्टीपल कर लोगे आप, 5 में जब 2.5 का मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5, 2.5 12.5। फिर हमने कहा 1:1 किसके बराबर है, 2.5, और यहाँ पर पानी का अनुपात कितना है, 3, तो 2.5 × जब 3 करो कितना आ जाएगा, ये 7.5, कितना आ जाएगा, ये 7.5। और उसने आपसे बात क्या बोली कि यदि 7.5 लीटर पानी, तो पानी इसमें 7.5 ऑलरेडी है, तो इसमें 7.5 लीटर हम क्या कर देंगे, इसमें पानी मिलाएंगे, और उसके बाद 10 लीटर एसिड, तो 10 लीटर इसमें हमने क्या मिला दिया, एसिड। अब ये हो गया 22.5, और ये हमारे पास हो गया 15, 7.5 + 7.5 15 हो गया। अगर हम आपसे कहने पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा सकते हैं क्या, 0 बढ़ जाएगा। अब ये दोनों कट सकते हैं 25 से, अगर हम 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 9 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। अब ये भी दोनों फिर से कट सकते हैं 3 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3:2, कितना आ गया, तो एसिड और पानी का अनुपात कितना आ गया, 3:2, तो यहाँ पर एसिड और पानी का जो अनुपात आएगा कौन सा आएगा, 3:2, तो कौन सा विकल्प सही होगा इसका, बी नंबर, कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी नंबर इसका आंसर आपका सही होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल नंबर 7 आपके सामने ये है, कराए एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, हमने मिक्सचर में x लीटर दूध मिला दिया, x लीटर दूध मिला दिया, और फिर 7:15 हो गया, और हमने मिक्सचर में 50 लीटर पानी मिला दिया, तो अनुपात 2:5 हो गया, तो x का मान बताना है, जो आपने दूध में मिलाया है उसका मान हमें क्या करना है, बताना है। तो देख लेते हैं कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो अनुपात है 1:3। फिर हमने कहा कि x लीटर दूध मिलाया है, तो इसको उधर से लिखें, जगह कम पड़ जाएगी, इधर लिख लें। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 1:3। फिर हम कह सकते हैं x लीटर हमने क्या मिला दिया है, मिल्क प्लस का मतलब मिला दिया है,
तो ये अनुपात कितना हो गया है, ये अनुपात हो गया कितना, 7:15 हो गया है। एक्स लीटर दूध मिलाने के बाद ये अनुपात कितना हो गया है, 7:15। और हमने मिक्सर में 50 लीटर पानी मिलाया, उसके बाद की बात है, और हमने मिक्सर में 50 लीटर पानी मिलाया। अब हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 50 लीटर हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, पानी, 50 लीटर पानी मिलाया, तो दूध और पानी का अनुपात हो कितना गया है, 2:5। तो इसके बाद अनुपात हो रहा है 2:5 हो गया है, 2:5 हो गया है। जब भी सवाल ऐसे आए तो इन सवालों को आप नीचे से स्टार्ट करें, आखिरी से शुरू करें, ऊपर की ओर जाएं, सवाल आसान होंगे। इस लाइन के बाद आप बताइए, क्या आपने दूध मिलाया है, दूध नहीं मिलाया है, सिर्फ क्या मिलाया आपने, पानी, पानी मिलाया, तो दूध का अनुपात तो बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दूध कितना है, 7, और यहाँ पर कितना है, 5। तो हमने कहा अनुपात के बराबर करने के दो तरीके, गुणा से करना है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर हम किसका गुणा कर दें, 2 का, तो उसके 7 के अनुपात में पानी में गुणा होगा, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा, 2 का, तो ये 30 हो गया, ये क्या हो गया, 30। इसमें किसका गुणा करेंगे हम, 7 का, तो इसमें हम 7 का गुणा करेंगे, तो इधर भी किसका गुणा हो जाएगा, 7 का। तो हम ये कह सकते हैं कि दूध यहाँ पर भी 14 है और यहाँ पर भी कितना है, 14, बराबर हो गया, दूध नहीं मिला है था। पानी हमारे पास 30 से हो गया 35, 30 से कितना हो गया है, 35 हो गया। तो पानी का जो अनुपात बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 5। अब 5 किसके बराबर है, 50 लीटर के बराबर, 5:50 लीटर के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 1:10 लीटर के बराबर आ जाएगा, 1:10 लीटर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर कितना दिया है अनुपात, 30, यहाँ पर अनुपात कितना है, 30 दिया है, तो 30 किसके बराबर आ जाएगा, 300 लीटर। 1:10 जब 10 के बराबर, तो 30 बराबर 300। अगर इस सवाल के बाद क्या यहाँ पर आपने पानी मिलाया था, यहाँ तो केवल आपने दूध मिलाया 1 लीटर, अगर यहाँ पे 300 लीटर पानी है तो यहाँ भी कितना रहा होगा, 300, जो आपने मिलाया ही नहीं तो पानी तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर ही पानी कितना रहा होगा, 300। तो 3 बराबर कितना है, 300, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100, 1 बराबर 100 आ गया। और हम कह सकते हैं कि 1:10 था और यहाँ पर कितना था, 14, तो ये कितना था आपके पास, 140। 100 से 140 हो गया, तो आपने कितना लीटर इसमें दूध ऐड किया है, आपने 40, कितना ऐड किया था आपने, 40 लीटर इसमें दूध ऐड किया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, सी नंबर, कौन सही हो जाएगा आपका, सी नंबर इसका विकल्प सही होगा। आगे सवाल क्यों चलते हैं, अगला सवाल आपके पास सेम सवाल है, फिर एक बार ट्राई करें देखेंगे। कह रहा कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। उसमें ये उसमें लिखा है यहां पर, उसमें कुछ दूध मिलाया जाता है, कुछ दूध मिलाया जाता है, सेल सवाल, तो हम दूध को कहते हैं कि एक्स लीटर मिलाया गया होगा, एक्स लीटर क्या मिला दिया गया, मिल्क, एक्स लीटर मिल्क मिला दिया। मिल्क मिलाने के बाद हम कह सकते हैं कि मिलाया गया, और फिर ये अनुपात कितना इनका, 4:3, अनुपात कितना इनका, 4:3। फिर हमने कितना है, 21 लीटर पानी मिलाया। उसके बाद तो हम कहें प्लस का, हम यहाँ पे कह सकते हैं 21 लीटर हमने क्या मिला दिया यहाँ पर, पानी। अब 21 लीटर जब पानी मिलाया तो अनुपात कितना हो गया इनका, इनका अनुपात हो गया 3:4, इनका अनुपात हुआ है 3:4। सेम सवाल है जो भी आपने किया है, क्या इसके बाद आपने क्या दूध मिलाया है, हमने वही बताया था कि इन सवालों करने के लिए आप हमेशा आखिरी से करें। तो हमने कहा यहाँ पर हमने पानी मिलाया 21 लीटर, दूध नहीं मिलाया, तो दूध बराबर होना चाहिए, यहाँ पर दूध है 4 और यहाँ पर कितना है, 3, इनको बराबर करने का तरीका, ऊपर हम किसका मल्टीपल करेंगे, 3 का, और तो इधर भी कितना हो जाएगा, 3 का,
तो ये कितना हो जाएगा 9। इधर हम किसका मल्टीपल करेंगे 4 का, तो इधर भी किसका करेंगे हम 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो हम ये कह सकते हैं कि दूध नहीं मिला है, तो दूध यहाँ 12 है और यहाँ पर भी कितना है 12। पानी 9 से 16 हो गया, पानी 9 से कितना बढ़ गया है 16, अनुपात 9 से 16 हो गया, तो अनुपात बढ़ा कितना है 7। 7 बराबर 21 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका 3 लीटर पानी के आ जाएगा। कितने लीटर पानी आ जाएगा, 3 लीटर पानी के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3 लीटर पानी आ जाएगा, 3 लीटर पानी आ जाएगा 1 बराबर। और अगर 1 बराबर 3 लीटर पानी है तो यहाँ पर कितना है 12, तो यहाँ पर मिल्क कितना रहा होगा, मिल्क आपका रहा होगा 36 लीटर। कितना रहा होगा, 36 लीटर यहाँ पर मिल्क है, 36 लीटर यहाँ पर क्या है, मिल्क है। और 1 बराबर 3 है, तो यहाँ पे 9 बराबर कितना आ जाएगा 27, 27 लीटर यहाँ पे क्या था, पानी। अगर यहाँ 27 लीटर पानी था तो आपने इस सवाल के पहले आपने पानी नहीं मिलाया था। अगर यहाँ 27 है तो यहाँ भी कितने लीटर पानी रहा होगा 27, कितना रहा होगा 27 लीटर पानी रहा होगा। और 3 बराबर 27, तो 1 बराबर 9, 1 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 बराबर 9 आ गया, तो यहाँ पर 2 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो मिल्क 18 लीटर था, मिल्क 18 लीटर था, और 18 से हो कितना गया है 36। तो आपने कितना प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, प्रारंभ में दूध की मात्रा बतानी है, तो कितना आएगा इसका 18 ही आएगा, कुछ करना ही नहीं है। अगर रहता कि कितना मिलाया गया है, तो कितना मिलाया गया है 18 ही मिलाया गया है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी इसकी 18। तो इसका जो आंसर सही होगा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सही हो जाएगा, सी नंबर। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने ये है, सवाल नंबर 9 आपके सामने ये है। एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है, एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। जब मिक्सचर में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है तो पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब मिक्सचर में y लीटर पानी निकाला जाता है, y लीटर पानी निकाला जाता है, तो ये अनुपात 7:10 हो जाता है। अब 30 लीटर दूध फिर मिला लिया जाता है तो अनुपात हो जाता है, दूध और पानी का नया अनुपात हो जाता है 4:5, 4:5। तो x प्लस वाई का मान बताना है, x प्लस वाई। ये सवाल अच्छा है, देख लेते हैं इस सवाल में। देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी, जो दूध है पानी से 60% कम है, तो 60% की वैल्यू क्या होती है, अगर बात कर लें 60% की वैल्यू होती 3/5, यानी कह सकते हैं 5 टोटल मिक्सचर है और उसमें 3 कम दूध है, तो हम कह सकते हैं कि दूध कितना रहा होगा 2। दूध कितना रहा होगा, अगर 100 में 60% कम है दूध, तो दूध 40% ही तो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर की अगर बात कर लें तो 5 में से केवल 2 दूध रहा होगा, तो बचा हुआ क्या रहा होगा पानी, बचा हुआ क्या रहेगा पानी रहेगा। फिर कह रहा है x लीटर हमने इसमें दूध मिलाया, तो x लीटर हमने इसमें क्या मिला दिया है, दूध मिलाया, x लीटर हमने दूध मिलाया, तो ये अनुपात हो जाएगा, आपका अनुपात हो गया है 3:5, ये अनुपात हो गया 3:5। अब मिक्सचर में y लीटर पानी निकाला है, y लीटर पानी क्या किया है निकाला है, तो माइनस का मतलब निकाला है, y लीटर पानी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, y लीटर पानी निकाल लिया, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका अनुपात है 7:10, 7:10। फिर एक स्टेप किया उसने कि 30 लीटर दूध फिर मिलाया इसके बाद, तो अब इसमें दूध में हमने कितना दूध ऐड किया बताओ, 30 लीटर दूध फिर मिलाया, तो ये मिल्क और वाटर का क्या रेशियो हो गया है, इसके बाद अनुपात हो गया कितना 4:5, कितना हो गया 4:5। फिर वही बात है, इन सवालों को आप कहां से करोगे, आखिरी से। क्या इस लाइन के बाद आपने पानी मिलाया है, पानी नहीं मिलाया, तो पानी यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ कितना है 5, पानी बराबर होना चाहिए,
तो हम कह सकते हैं इसमें दो का गुणा कर देंगे, तो उसके साथ जो दूध था उसमें दो का गुणा कर दिया, तो दूध यहाँ कितना हो गया 8, पानी 10, और पानी 10 बराबर है 7 से, दूध 8 हुआ है, कितना दूध बढ़ा है 1, तो हम कह सकते हैं अनुपात में 1 बढ़ रहा है, और सवाल में कितना बढ़ रहा है 30। अगर हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 30 है, 1 बराबर कितना है 30, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 बराबर कितना आ जाएगा 300, 10 बराबर कितना आ जाएगा 300, और 1 बराबर 30 है तो हम कह सकते हैं 7 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा ये 70 आ जाएगा, 7 बराबर यहाँ पर 210 आएगा, कितना आएगा क्योंकि 1 बराबर 30 है तो 7 बराबर यहाँ पे कितना आएगा 210, वो 10 दिमाग कितना आएगा ये 210। अगर यहाँ दूध 210 है तो इस लाइन के बाद क्या आपने दूध मिलाया था, नहीं, तो यहाँ पर भी दूध कितना रहा होगा 210, तो 3 बराबर कितना है आपका 210, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 70, 1 बराबर कितना आ जाएगा 70, अब 1 बराबर अगर 70 है तो यहाँ पर 5 दिखा है तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 350, 350 यानी पानी 350 से 300 रह गया, तो पानी कितना निकाला है आपने 50 लीटर, तो y का जो मान निकल के आया तो वो कितना आ रहा है 50। फिर हम बात कर ले कि 1 बराबर 70 है और यहाँ पर पानी कितना है 350, क्या इसमें क्या आपने दूध ही मिलाया था, आपने x लीटर क्या मिलाया है दूध, पानी नहीं मिलाया था, पानी यहाँ कितना है 350, तो यहाँ भी कितना रहा होगा 350, तो हम ये कह सकते हैं कि पानी अगर यहाँ पर 350 है तो यहाँ भी कितना रहेगा 350, कितना रहेगा ये 350। अब पानी 350, उसने क्या पूछा है x और y का मान पूछा है, तो 7 10 सही है, फिर तो 1 2 बराबर 1 बराबर क्या निकल के पॉइंट में चला जाएगा, क्या ये अनुपात गलत लिखा है यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पे अनुपात गलत लिखा है, यहाँ पे कितना है 2:5, ये तभी नहीं कट रहा, यहाँ पे कितना है ये 2:5, तो 5 बराबर 350, 1 बराबर कितना आ जाएगा 70, 1 बराबर 70 तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 140, यानी 140 से दूध कितना हो गया है 210, तो x का मान कितना आ गया 70, तो आपसे पूछा क्या गया है x प्लस वाई, तो x का मान कितना है 70 और y का मान 50, दोनों का सम कितना है 120, तो यानी इसका आंसर कौन सा ही हो जाएगा बी नंबर, नोट कर ले से सवाल, ये सवाल अच्छा सवाल है ये, इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये, एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध के बर्तन में 20% सामग्री निकाल ली जाती है। अब 20% सामग्री निकाले, शेष सामग्री में पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है, फिर पानी और दूध को अनुपात को उलटने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाता है, तो कह रहा है कि y का मान बताएं। ऐसे सवाल के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो अनुपात या तो रियल डाटा। आप कह सकते हैं कि मिल्क वाटर यहाँ पे कितना है बताओ, वाटर कितना है यहाँ पर 2.5 लीटर, और मिल्क कितना है यहाँ पर 10 लीटर, और इसमें कितने परसेंट सामग्री निकाल रहे हो आप, अगर 20% सामग्री निकालोगे तो 20% दूध निकलेगा और 20% पानी निकलेगा, तो 2.5 का अगर 20% निकालेंगे तो 0.5 निकल जाएगा। अगर हम कहेंगे 2.5 का 20% निकालिए, तो 2.5 का अगर 20% मतलब 1/5 तो काटो कितना आ जाएगा 0.5, तो इसमें 0.5 कम होगा तो बचेगा कितना 2 लीटर। अब उसमें जो पानी बचा है वो कितना बचा है 2 लीटर, अगर हम 10 का 20% निकाले 2 लीटर निकल जाएगा, अब उसमें 2 लीटर ये निकल गया तो बचा कितना ये 8 लीटर। अब इसको 1:4 कहिए, या तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप इसको ही लेके चलो तो अनुपात आपको बराबर नहीं करने पड़ेंगे। अब उसने सवाल में क्या कहा है,
कि शेष सामग्री में पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया। x क्या मिला है? पानी। जब इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो अनुपात पलट जाएगा, मतलब यही पर ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2। तो आपने आप पानी मिलाया है, दूध तो नहीं मिलाया है, और दूध यहाँ कितना है 8 और यहाँ कितना है 2, तो दूध बराबर कर ली, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे हम, यानी 4 का। तो यहाँ पर भी किसका गुणा होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा ये 32। 2 लीटर से 32 हो गया, 2 लीटर से पानी कितना हो गया है 32 हो गया है। पानी मिला रहा है कि दूध मिला रहा है? पहले तो हमने दूध ही मिलाया है, पानी मिलाया, सॉरी कितना मिलाया इसमें, पानी मिलाया इसमें, दूध नहीं मिलाया हमने, क्या मिलाया इसमें, पानी, पानी मिला है इसमें, तो पानी को पानी मिला रहा है यहाँ पर, तो दूध बराबर होना चाहिए, हुआ तो था सही है, सही था। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कितना है? पानी मिला रहे हैं, तो पानी यहाँ कितना है, अनुपात कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 2, दूध बराबर, तो इसमें किसका गुणा 4, तो इसमें भी किसका गुणा होगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 32। तो हमने कहा कितना दूध मिल, पानी कितना मिल गया 30 लीटर, कितना मिल गया ये 30। फिर हम कह सकते हैं कि अब ये अनुपात, ये कितना लिखा है आपका 8, कितना लिखा है ये 8। अब इसको पलटने के लिए हमने इसमें क्या मिला है वाई लीटर दूध, तो एक्स का मान तो ये आ चुका है 32, 30 आ गया है, कितना आ गया 30। अब इसमें वाई लीटर दूध मिला रहा है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 8:32, कितना हो जाएगा ये 8:32। तो हमने यहाँ पर सिर्फ दूध मिलाया है, क्या मिलाया है दूध, पानी यहाँ पर कितना है 32 और यहाँ पे कितना है 8, तो इसमें किसका गुणा करेंगे हम 4 का। तो जब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे इसको बराबर करने के लिए, तो यहाँ भी किसका गुणा होगा 4 का, यहाँ भी किसका गुणा हो जाएगा 4 का। तो हम ये कह सकते 4 का गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 8 आएगी और ये 128, कितनी आ जाएगी ये 128, यानी 8 लीटर से जो दूध है वो कितना हो गया है 128। तो हमने पास बढ़ा कितना यहाँ पर 120, तो y का मान कितना आ गया 120 और x का मान कितना है 30। तो आपसे पूछा क्या है, y का मान पूछा है, क्या पूछा है y का मान पूछा है, तो y का मान कितना आ जाएगा 120, x का नहीं पूछा है, y का पूछा है, तो y कितना आ जाएगा 120। नोट हो गया ही, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने है, सेम सवाल है जैसे आपने किया है, पहले एक बार सवाल अपने आप जरूर ट्राई करें। एक बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर 100 लीटर है, कितने लीटर है 100, जिसमें 1/4 भाग दूध है, या इनमें से 20 मिक्सचर निकाला गया और p लीटर दूध मिला दिया गया, तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया, अभी आपने सवाल किया सेम है, फिर इसमें q या फिर q लिखा है, फिर इसमें q लीटर पानी मिला दिया, तो अनुपात पहले से फिर उल्टा हो गया, तो q माइनस p बताना है, q माइनस p बताना है इस सवाल में। तो फिर वही सवाल, उसने क्या कहा दूध इसमें भाग कितना है बताओ 1/4, तो हम अगर कह दें कि मिक्सचर निकालने के बाद अनुपात में वही होता है 1/4 भाग दूध है, यानी हम कह सकते हैं कि 1/4 भाग की बात करें यहाँ पर 1/4, यानी 4 में से कितना दूध है 1, तो पानी कितना रहा होगा 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर की बात कर लें तो 1:3 ये आ जाएगा, 1:3, यानी 4 में से 1 मिल्क है, तो बच 1, 4 में से 1 क्या है मिल्क, टोटल कितना है 4, तो पानी कितना रहेगा 3। अभी बात है कि मिक्सचर निकालने के बाद अनुपात वही होता है, तो मिक्सचर हम कितना निकालना है इसमें से 20, अगर 100 में से 20 मिक्सचर निकाल लिया तो 80 बचा होगा, 80 इसी अनुपात में बटेगा किसमें 1 और 3, तो हम कहेंगे 1 और 3 का सम कितना हो जाएगा 4,
तो चार किसके बराबर होगा 80, तो एक किसके बराबर आएगा 20, एक किसके बराबर आएगा 20, तो उसमें दूध जो है 20 लीटर था और पानी कितना था उसमें 60 लीटर। वही देख ली, एक तीन ही है, एक बराबर कितना है 20। अगर कहेंगे आप इनका अनुपात निकालोगे तो एक तीन ही तो निकल के आएगा। फिर उसके बाद उसने क्या कह दिया बताओ, फिर हमने उसमें क्या कहा, पी लीटर दूध मिलाया, पी लीटर क्या मिलाया है दूध। अगर हमने पी लीटर इसमें दूध ऐड कर दिया तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया, तो आप ऐसे ही पलट लें। तो हमने कहा ये 60 और ये 20, तो हमने क्या इसमें क्या पानी मिलाया, हमने नहीं मिलाया है, तो आप पानी को क्या कर लेंगे, आप बराबर कर लेंगे। तो पानी यहाँ पे कितना है 60 और यहाँ पर कितना है 20, पानी बराबर होना चाहिए, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे हम 3 का, तो इधर भी किसका गुणा होगा 3 का। समझ पा रहे हैं, तो पानी यहाँ पर कितना है 60 और यहाँ पर भी कितना है 60, दूध 20 से कितना हो गया है 180, तो दूध कितना बढ़ गया है 140, कितना बढ़ गया ये 140, तो पी की मात्रा यानी दूध यहाँ पर कितना बढ़ गया है 140, यहाँ तो 160, कितना बढ़ गया ये 160, यानी कह देंगे दूध यहाँ पे कितना बढ़ गया है 160, दूध यहाँ 160 बढ़ गया। फिर इसके बाद हमने और क्या मिलाया है, क्यू लीटर पानी। अब यहाँ पर क्यू लीटर हम पानी मिला रहे हैं, अगर क्यू लीटर जब पानी मिला है अनुपात कितना हो गया इसका उल्टा हो गया, फिर तो ये कितना लिखा है 60, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 60 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना लिखा है आपके पास 180, तो ये कितना हो जाएगा 180। क्या इसके बाद हमने दूध मिलाया है, नहीं। अब इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों क्या करना है बराबर, तो हम कहेंगे नीचे हम किसका गुणा करेंगे 3 का कर देंगे। जब इस पे 3 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा, तो इधर भी किसका गुणा कर देंगे हम 3 का, जब 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 540, तो ये हमारे पास हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा ये 540। 60 लीटर से 540 हो गया, 60 लीटर से कितना हो गया ये 540 हो गया, तो कितना ऐड हुआ होगा 480, तो यहाँ पे कैसे 480 लीटर यहाँ पर क्या हुआ होगा ऐड। और आपसे पूछा क्या है Q माइनस P, तो Q का मान यहाँ पे कितना आ गया है 480 और P का मान यहाँ पर कितना आ गया है 160। अगर इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो 320, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा इसका 320, इसका आंसर कितना आएगा 320। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 12 नंबर, एक बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर है, मिक्सचर की मात्रा 100 लीटर है, जब इसे 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिला दिया जाए, दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो कह रहा शुरुआत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था, शुरुआत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था, शुरुआत में मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या था। अब गौर से समझना इस सवाल को, इस सवाल को आप कैसे जल्दी कर सकते हो, आप देखिए हमारे पास मिक्सचर की मात्रा कितनी दी है 100 लीटर, ऑलरेडी 100 लीटर मिक्सचर हमारे पास था, ऑलरेडी कितना था 100 लीटर, 100 लीटर मिक्सचर में हम कह रहे हैं कि 100 लीटर मिक्सचर में हम कितना इसमें ऐड कर रहे हैं, पहले पानी कितना इसमें, जब दूध कितना ऐड किया इसमें 110 और पानी कितना ऐड किया, तो अगर इन दोनों को अगर जोड़ लें हम, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना 240, यानी 240 लीटर मिक्सचर और आ जाएगा, तो हम कह दें कि 110 में 240 लीटर मिक्सचर हमने और ऐड कर लिया, इन दोनों को क्या कर लिया हमने, दूध और पानी को और जोड़ लिया, ये 110 है, ये कितना है 110 है ये, तो हम कह सकते हैं दूध और पानी को और कितना जोड़ लिया, मतलब 240 और ऐड कर लिया, तो टोटल सब कितना हो सकता है ये 340।
अब इसका जो अनुपात बनाना है वो क्या बनाना है, 3:3 मतलब 1:1 मतलब बराबर बनाना है। अब इस 3:40 के दो बराबर टुकड़े करने हैं, दो क्या करने हैं बराबर टुकड़े, तो इसके दो बराबर टुकड़े हम लोग कर सकते हैं 170 170 कर सकते हैं। ये अगर कहेंगे दो ये मिक्सचर हो गया 170 170, ये पहला मिक्सचर हो गया और ये अगला मिक्सचर हो गया, ये कर लिया। अब 170 की बात कर ले अपन, ये बराबर टुकड़े हैं और इसमें कह रहा है कि मिल्क और वाटर, यहाँ पे क्या है मिल्क और वाटर की बात हो रही है यहाँ पर, मिल्क और वाटर। तो यहाँ पे हमने कहा मिल्क है और ये क्या है वाटर, तो हमने कहा मिल्क हमारे पास 170 हो गया है और हमने मिल्क मिलाया कितना था 110, कितना मिलाया था 110 लीटर दूध, मिलाने के बाद हमारे पास दूध कितना हो गया है 170। तो ऑलरेडी पहले से कितना रहा होगा 60 रहा होगा। अब हमारे पास पानी कितना हो गया है 170, अब पानी हमने मिलाया कितना था 130, 130 मिलाने के बाद 170 हुआ है पानी, तो पहले पानी कितना रहा होगा 40, तो पानी यहाँ पे 40 रहा होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 100 लीटर में 7 लीटर दूध और कितना 40 लीटर पानी, तो इनका अनुपात आ जाएगा 3:2, तो इसका आंसर आएगा 3:2। ये आप ऐसे कर सकते हैं सवाल में, क्योंकि जब अनुपात नहीं बोला है तो बराबर करके आप तोड़ दीजिए उसमें। अगला सवाल, अगला सवाल ये है आपके सामने, सौरभ सवाल में आ रहा है तुम्हें, क्या कह रहा है, एक मिक्स धातु में 350 ग्राम में तांबा और कांस्य का अनुपात कितना है 3:4 के अनुपात में है। फिर कह रहा है कि 4:3 के अनुपात में बनाने में तांबा की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। देख लेते हैं इसको, अगर हम बात यहाँ पे कर लें कि टोटल जो मिश्र धातु है कितने ग्राम की है 350 ग्राम की है और इसमें तांबा और क्या है, यानी कह सकते हैं कि तांबा है और हम बात कर लें क्या है यहाँ पर कांस्य, और इनका अनुपात कितना दिया है 3:4, ये तो दिया गया है 3:4। अगर हम बात कर लें कि 3:4 दिया, फिर उसने कह दिया कि इसमें हम क्या मिला रहे हैं तांबा, और अनुपात कितना हो गया है ये बताओ 4:3, कितना हो गया है 4:3, तो तांबा मिला रहे हैं हम, कांसा तो नहीं मिला रहे हैं, तो कांसा बराबर होना चाहिए, कांसा क्या होना चाहिए बराबर, तो यहाँ पर कितना दिया है 4 और यहाँ पर कितना दिया है 3, इनको बराबर करेंगे, तो बराबर करने का तरीका कि ऊपर किसका गुणा 3 का, तो इधर भी किसका गुणा होगा 3 का, नीचे किसका गुणा करेंगे हम 4 का, तो इधर भी किसका गुणा हो जाएगा 4 का, तो कासा बराबर हो गया 12 12 हो गया, तांबा हमारे पास कितना आई है 9 और कितना है 16, तो 9 से 16 हुआ है, तो बढ़ा कितना है 7, कितना बढ़ा है 7। अब ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पर पहले कितनी दी है 350 ग्राम, अब इन दोनों के अनुपात का सम कर लेते हैं, तो इन दोनों के अनुपात का सम कितना आ जाएगा 9 और 12 21, कितना आ जाएगा 21, अनुपात किसके बराबर होगा 350, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 21, अनुपात जो होगा 350 ग्राम के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं 7 से काट दें इसको, जब 7 से काटेंगे तो 3 और ये कितना आ जाएगा 50, तो 3 बराबर कितना आ गया 50, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 50/3, कितना आ गया है 50/3, और यहाँ पर तांबा मिला है कितना है अपने 7 और 1 अनुपात किसके बराबर है
पचास बटे तीन, तो सात बराबर कितना होगा, पचास बटे तीन इंटू सात, तो हम कह सकते हैं 350/3 यही आ जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा ये, फिर कितनी बार जाएगा, छह बार। तो ऑप्शन आपके पास सब कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कौन सा सही आ जाएगा, ए नंबर, उसके बाद करना ही नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 116.67 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। पकड़ में आ गई बात, ये अगले सवाल में देखते हैं। जब दूध और पानी के मिक्सचर में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में 25% दूध हो जाता है। जब नए मिक्सचर में 2 लीटर दूध मिला दिया जाए तो परिणामी में 40 लीटर दूध हो जाता है। तो मूल मिक्सचर में दूध का परसेंट कितना था, मूल मिक्सचर में दूध का परसेंट कितना था, बात की जाए। देखिए, दूध और पानी के मिक्सचर में, हम कहते हैं मिल्क और वाटर के मिक्सचर में हम कितना मिला रहे हैं पानी, बताओ, 1 लीटर मिक्सचर को ही रहा होगा, उसमें 1 लीटर हमने पानी मिलाया तो दूध का परसेंटेज कितना हो गया, 25। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में से 1 मिल्क हो गया, तो 1 मिल्क है तो वाटर 3। ये कहानी कब की है, जब आपने 1 लीटर क्या मिलाया उसमें, पानी, जब आपने 1 लीटर पानी उसमें ऐड किया तो ये बात आ गई 1:3। आप कह रहा कि नए ये हो गया, अब नए मिक्सचर में 2 लीटर क्या मिला है आपने, दूध। अब जब 2 लीटर आपने क्या मिला दिया इसमें, मिल्क, 2 लीटर आपने मिल्क मिला दिया, ऐड किया, तो अनुपात इसका 40% दूध हो गया। तो हमने कहा दूध कितना है 2 और तो पानी कितना होगा, 40% मतलब क्या होता है, 2/5, तो 5 में से 2 दूध है तो पानी कितना होगा, 3। तो इसके बाद आपने पानी नहीं मिलाया, अब पानी बराबर भी है, अगर बराबर ना होता तो बराबर कर लेते, तो दूध 1 से कितना हो गया है, 2, तो अनुपात कितना बड़ा है, 1, और सवाल में कितना बड़ा है, 2, 1:2 लीटर के बराबर, 1:2 किसके बराबर है, 2 लीटर के बराबर, तो यहाँ पर कितना अनुपात है, 1, तो दूध यहाँ पे कितने लीटर रहा होगा, 2 लीटर, कितना रहा होगा, 2, अब 1:2 के बराबर, तो यहाँ पे पानी कितना रहा होगा, 6, पानी कितना रहा होगा, 6 लीटर पानी रहा होगा। 6 लीटर पानी कब हुआ है, जब 1 लीटर पानी आपने मिला दिया है तभी तो हुआ है, अगर ये पानी आप पी जाए, हटा दें, तो कितने लीटर पानी बचेगा, 5 लीटर पानी बचा, तो दूध तो यहाँ पे 2 लीटर था, तो यहाँ भी दूध कितना रहा होगा, 2 लीटर, दूध कितना रहा होगा, 2 लीटर, तो हम कह सकते हैं कि 2 और ये कितना है, 5, और आपसे पूछा क्या गया है, मूल मिक्सचर में दूध का परसेंट टोटल कितना है, 7, टोटल कितना है, 2 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, टोटल मिक्सचर 7, उस 7 में से दूध कितना है, 2, तो हमने कहा उसमें अगर बात कर ले कि 7 में से 2 लीटर दूध है और इंटू 100, जब परसेंट बताना होता है तो हम करेंगे कितना आ जाएगा, 200/7, ये आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7×14 28.57%, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, सी नंबर। चौदह सही 2/7 वही होता है ये। अब वो ना देकर हम ऐसे भी देते हैं सवाल में,